जब ये सरकार 2014 में आई थी तो अंडर ग्रेजुएट सीट्स लगभग 52,000 थी और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स 30,000 थी, और आज इसी फैसले के साथ साथ लगभग 12,000 सीट्स का इंक्रीज तो होगा ही, लेकिन जो 50 मेडिकल कॉलेजेस जो ऑपरेशनल होने वाले हैं उन सबको मिला ले तो अंडर ग्रेजुएट सीट्स 85,525 पहुंच जाएगी, और उसी तरीके से जो पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स हैं वो 30,000 से बढ़कर के 46,000 हो जाएंगी, और इसके साथ साथ हम एएनएम्स और 112 एएनएम्स और 136 जीएनएम्स हम खोल रहे हैं, तो उससे भी बहुत लाभ मिलने वाला है, पैरामेडिक्स में लाभ मिलने वाला है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी मजबूती दें, और इससे मेडिकल एजुकेशन जब बढ़ेगा तो डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा, और उस ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से जो हमारा आयुष्मान भारत जिसमें हम 5 लाख रुपए का पर फैमिली और लगभग 10 करोड़ परिवार को सालाना हम फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं हेल्थ के लिए, उसको भी कवर करने में इन डॉक्टर्स की बड़ी भूमिका रहने वाली है, तो उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं।